Good morning. Welcome to Regional Distance Learning Clinical Seminar Series. Today's topic is Counseling Aspect, First Line ART Initiation in Adult and Adolescents, and Speaker Mr. Nirmal Jangle. Mr. Nirmal is presently working as a counselor at ART Center PJ Chandigarh since March 2010. He has already taken many sessions through RDLS. Now I request Mr. Nirmal to start the session. Thank you. <laughs> आज जिस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं वह है काउंसलिंग एस्पेक्ट्स इनिशिएशन ऑफ फर्स्ट लाइन ए आर टी इन अडल्ट एंड अडोलोसेंट्स नाउ ऑब्जेक्टिव सेशन ऑब्जेक्टिव बाय द एंड ऑफ द सेशन पार्टिसिपेंट्स विल बी एबल टू फर्स्ट ए अंडरस्टैंड द गोल्स ऑफ ए आर टी सेकेंड अंडरस्टैंड टेस्ट एंड ट्रीट कॉन्सेप्ट ऑफ नेको लर्न फर्स्ट फर्स्ट लाइन ए आर टी इनिशन इन अडोलोसेंट्स इसमें आगे जो सब पॉइंट्स हैं प्री रेगविजिट कंसिडरेशन फॉर इनिशियशन ए आर टी सेकेंड फर्स्ट लाइन ए आर टी रेजिमेंट्स एंड थर्ड नीड फॉर हंड्रेड परसेंट ट्रीटमेंट अड्स अब हम अगर ए आर टी के गोल्स की बात करते हैं तो उसमें हम देखेंगे कि पांच गोल्स हैं जो ए जो हम देते हैं उसके पांच गोल हैं सबसे पहले क्लिनिकल गोल्स इंक्रीज सर्वाइवल एंड इम्प्रूवमेंट इन क्वालिटी ऑफ लाइफ हम ए जो देते हैं तो उसका हम पेशेंट में देखते भी हैं कि सबसे ज़्यादा जो पहला फायदा हमको दिखते हैं क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव हो जाती है और जो सर्वाइवल रेट है वो इंक्रीज हो जाता है सेकेंड वायरोलॉजिकल गोल्स ग्रेटेस्ट पॉसिबल सस्टेन्ड रिडक्शन इन वायरल लोड वायरलिकल गोल्स की हम बात कर रहे थे कि वायरल लोड जो है वो निरंतर उसमें कमी आनी चाहिए और एआरटी का यही काम है कि वो निरंतर उसको सच, आ, लगातार उसको कंट्रोल में करता रहता है उसको सच, आ, रिडक्शन उसकी करता रहता है निरंतर उसकी उसे. हर संभव ये कोशिश रहती है थर्ड इम्यूनोलॉजिकल गोल्स इम्यून रिकॉन्स्टिट्यूशन दैट इज बोथ क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव दोनों ही तरीके से उसका प्रतिरक्षा प्रतिरक्षा जो तंत्र होता है वो मजबूत होता जाता है फोर्थ थेरेप्यूटिक गोल्स थेरापटिक गोल्स होते हैं रैशनल सिक्वेंस ऑफ ड्रग्स इन ए मैनर That achieves clinical, virological, and immunological goals, while maintaining future treatment options, limiting drugs toxicity, and facilitating adherence. Therapeutic goals होते हैं जो हम जिसको ग्रीन दीम बोले तो चिकसीय रे, या एरमिडल लक्ष्य भी कह सकते हैं। वो दवाओं का जो अनुक्रमण है वो इस तरीके से तरह संगत ढंग से उसको लगाते हैं कि जो ऊपर जो कहे गए तीन गोल हैं जो क्लिनिकल है वायरोलॉजिकल है या इम्यूनोलॉजिकल है वो उसको हम अचीव कर सकें और उसके फ्यूचर का जो ट्रीटमेंट ऑप्शंस रहते हैं वो भी मेंटेन रह सकें और जो ड्रग्स टॉक्सिसिटी होती है वो कम होनी चाहिए ड्रग्स टॉक्सिसिटी होती है जो टॉक्सिक इफेक्ट्स ऑफ ड्रग्स होते हैं वो कम से कम होने चाहिए और अडरेंस को भी आसान बना होना चाहिए अडरेंस को मेंटेन करना पेशेंट के लिए आसान होना चाहिए ये इस तरीके का ये गोल ए आर टी का रहता है और फिफ्थ है प्रिवेंटिव गोल्स रिडक्शन ऑफ एच आई वी ट्रांसमिशन बाई स बाई वायरल लोड जब वायरल लोड सप्रेस हो जाएगा तो एच आई वी का ट्रांसमिशन उसके पार्टनर को वो कम होगा या लगभग ना के बराबर होगा जब हम वायर लोड कराते हैं तो हमें पता चल जाता है कि वो वायर लोड सप्रेस है जैसे टी है तो वो टी का मतलब टारगेट नॉट डिटेक्टेड तो वो सप्रेस हो जाता है तभी ये आता है ये पांच गोल इसके ए आर टी जो पेशेंट को देते हैं उसके पांच गोल में हम पांच गोल में हम देख सकते हैं अब क्या एच आई वी का एच आई वी को खत्म कर सकते हैं तो इराडिक्शन ऑफ एच आई वी नोट अभी नहीं

इसके बावजूद भी हम ये नहीं कहते कि एच खत्म हो गया बॉडी में नहीं है नहीं देर इज एविडेंस ऑफ जेनेटिक एवोल्यूशन इन अभी भी जो शरीर के कुछ कोष ऐसे होते हैं जहां पे एच जो वी है वो उसके जो एच है जो उसमें जाके जमा हो जाता है अब ये रिजर्वायर्स कौन से हैं ये कोष कौन से हैं रिजर्वास साइट्स ऑफ फॉर एच आई वी रिजर्वास कहते हैं कलेक्शन ऑफ एच आई वी इनफेक्टिड रेस्ट

and brain that contains these cells. अब ये सी डी फोर अलग अलग टाइम पे हम सभी जो पुराने काउंसलर्स हैं वो सभी जानते ही होंगे कि अलग अलग टाइम पे जो सी डी फोर का जो ए आर टीनिशिएशन का जो आ, वो रखा हुआ आधार रखा हुआ था तो वो सी डी फोर के ऊपर भी डिपेंड था तो वो अलग अलग साल में जैसे जैसे स्टडी होती गई और उनका वो वो चीजें भी बदलती चलेगी तो ये इसमें हम देखेंगे तो आ, 1995 से लेके एसी हजार पांच सीपीसी स्टडीज अर्ली पोस्ट हार्ट एरा एआरटी इनिशियशन का जो लेवल सी डी फोर का रखा हुआ था वो लेस देन 200 हंड्रेड सेल्स पर क्यूबिक मिलीमीटर रखा हुआ था जब तक सी डी फोर सेल्स टू या 200 से नीचे नहीं जाते तो एआरटी इनिशिएट नहीं होती थी उसको शुरुआत नहीं करते थे इम्पैक्ट ऑफ एड्स मोर्टैलिटी एंड मेजर ओ आईज ऑपॉर्चुनिटिकर्चुनिटिक इन्फेक्शन जो होते हैं वो इंसिडेंट्स उसके ऊपर आदा थे दो हजार पांच में हम सभी को पता है कि ए आर टी शुरू हो गए ए आर टी सेंटर यहाँ पे स्टार्ट हुए थे दो हजार पांच से लेके दो हजार दस ये ए सी ए टीजी होता है एक स्टडी है एड्स क्लिनिकल ट्रायल्स ग्रुप दूसरा सी पी सी आर ए कम्युनिटी प्रोग्राम क्लिनिकल सर्च ऑन एड्स

एआरटी हम स्टार्ट करते थे 2010 से 2013 का साल आया तो ऑब्जर्व ऑब्जर्वेशनल स्टडीज एआरटी इनिशिएशन एट फोर ग्रेटर देन 350 सेल्स इंपैक्ट ऑन डिजीज प्रोग्रेशन एंड नॉन एड्स इवेंट्स 2010 और 2013 के साल में ही एक स्टडी और थी जो बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टडी थी एचपीटीएन052 रिडक्शन ऑफ वी ट्रांसमिशन अमंग एचआईवी डिस्कोर्डेंट कपल्स एंड रिस्क ऑफ टीवी स्टडी थी एक था इसमें क्या एवेल्यूएट करना था इसमें ये करना था कि जो सीरोडेंट कपल couple होते हैं जो ऐसे कपल जिसमें से एक पार्टनर को एच आई वी इन्फेक्टेड है और दूसरा पार्टनर एच आई वी इंफेक्टेड नहीं है वो नेगेटिव आती है, है उसकी रिपोर्ट उनमें जो एच आई वी का सेक्सुअल ट्रांसमिशन है उसमें ए आर टी कितना प्रिवेंट करती है ये एक स्टडी हुई थी इसमें आ, एक हजार सात यानी कि वन इतने एच आई वी डिस्कोडेंट कपल्स को लिया गया था एनरोल हुए थे और ये नौ देशों में स्टडी हुई थी और तेरह साइट्स इसकी थी ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण तो स्टडीज थी ये इसको हम लैंडमार्क स्टडी भी कह सकते हैं जिसने प्रूव किया था कि अर्ली एआरटी इनिशिएशन uh, अगर करते हैं तो एच आई ट्रांसमिशन को ये प्रिवेंट करती है अगर किसी पेशेंट uh, की एच आई uh, की मेडिसिन जल्दी शुरू हो जाएगी तो उसके जो कप्पल होगा जो कि नेगेटिव होगा तो फिर उसको एच का ट्रांसमिशन ना के बराबर ही है ये एक बहुत ही लैंडमार्क स्टडी थी 2015 हजार एंड स्टार्ट स्टडीज ए आर टी फोर ग्रेटर देन फाइव सेल्स पर क्यूबिक मिलीमीटर इंपैक्ट ऑन सीवियर एच आई वी एंड डिजीज प्रोग्रेस विदआउट इनक्रीज इन सीवियर एडवर्स इवेंट अब जरूरत क्या है नीड फॉर ए आर टी इनिशियन इन ऑल पी एल एच आई वी सभी को कहते हैं सभी की आप मेडिसिन शुरू करते हैं तो क्या जरूरत है रिसेंट स्टडीज इम्फोसाइज द नीड फॉर द अर्लिएस्ट इनिशियशन ऑफ ए आर टी इन ऑल पी एल एच आई वी जैसे कि हम पहले भी आ, हम पहली स्लाइड में डिस्कस कर, कर रहे थे कि रिसेंट में जो स्टडीज हुई है उसमें इनिशिएशन ऑफ एआरटी पर पर जोर दिया गया अपॉर्चुनिटिक इंफेक्शन सेकेंड टू रिड्यूस टीबी इंसिडेंट टीबीडेंट अमंगी थर्ड टू रिड्यूस द मोर्टेलिटी रेट फोर्थ टू इंप्रूव हेल्थ रिलेटेड क्वालिटी ऑफ लाइफ अगर वह डायनेस अच्छे से रखता है तो तो ये सारी चीजें का आ, उसको देखते हुए उसको एआरटी का फायदा मिलता है कि उसको अगर ओ एआरटी लेगा तो वायरल लोड कम होगा उसको बिल्कुल कंट्रोल में हो जाएगा उसको अवसरवादी संक्रमण जिसको हम बोलते हैं जिसको हम बोलते हैं वो कंट्रोल में होगी टीवी ना होने के चांसेस रहेंगे मृत्यु दर कम रहेगी उसका क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है वो इंप्रूव हो जाएगी हेल्थ रिलेटेड बेनिफिट्स ऑफ अर्ली एआरटी अगर जल्दी जैसे अभी नेक्को ने टेस्ट एंड ट्रीट की पॉलिसी रखी है तो जल्दी ए शुरू करने के क्या फायदे हैं बेनिफिट्स ऑफ अर्ली ए आर टी रिडक्शन इन मोर्टैलिटी फर्स्ट सेकेंड डिक्रीज टी सेल्स एक्टिवेशन एंड इंफ्लामेशन थर्ड प्रिवेंशन ऑफ एच आई वी ट्रांसमिशन फोर्थ रिड्यूस रिस्क ऑफ लीवर डिजीज प्रोग्रेशन इन पेशेंट्स को इन्फेक्टेड विद हेपेटाइटिस बी वायरस एंड और सी वायरस जब हम एआर टी देते हैं तो H, uh, की कोई medicine, उसकी नहीं चलती है, uh, का अलग से कराना है लेकिन अगर uh, वायरस आता है तो उसके लिए ए आर टी बी काम करती है कार्डियोवस्कुलर डिजीज डिफाइनिंग डिफाइनिंग एंड नॉन मेगलीजेंटिव कॉम्प्लीकेशन मोर रिवर्स्ड इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्स वेन ट्रीटमेंट इज इनिशिएटेड एट यंग एज जितनी जल्दी उसकी ए आर टी शुरू हो जाएगी उसका इम्यून सिस्टम उतना ही स्ट्रोंग हो जाएगा कॉन्सिडरेशन बिफोर एआरटी इनिशियस कुछ बातें हैं कुछ मुद्दे ऐसे हैं जिन पे ध्यान देना होता है जब किसी की ए शुरू करते हैं ऑल पीपल विद कंफर्म्ड एच आईवी इन शुड बी रेफर टू ए आर टी सेंटर फॉर सभी जो एच आई वी इंफेक्टेड जो पेशेंट हैं वो सभी को ए आर टी सेंटर पे रेफर किया जाता है तो उसमें सबसे पहली बात हम करते हैं रजिस्ट्रेशन इन एच आई वी केयर सेकेंड कॉम्प्रिहेंसिव क्लिनिकल एंड लेबोरेटरी एवल्यूशन

ये कुछ एक ध्यान देने काउंसलर को ध्यान देना चाहिए कि पेशेंट शुड भी एडवकेटली कंसेंट शुड बी ऑबटेन्ड फ्रॉम द पेशेंट और फ्रॉम केयर गिवर इन केस ऑफ पेशेंट बींग ए माइनर बिफोर इनिशिएशन इन टू एच आई वी केयर इंक्लूडिंग ए आर टी सेकेंड ट्रीटमेंट शुड बी स्टार्टेड बेस्ड ऑन पर्सन इनफॉर्म्ड डिसीजन एंड टू इनिशिएट ए आर टी ऑन द बेनिफिट्स ऑफ ट्रीटमेंट अंडरस्टैंडिंग ऑफ लाइफ लॉन्ग मेडिकेशन इश्यूज एंड पॉजिटिव प्रिवेंशन हालांकि हम ये सभी बातें करते हैं फिर भी हम इनको कोई आ, बीच में कोई बात छूट ना जाए चाहे वो लाइफ लॉन्ग मेडिकेशन समझाने की बात है चाहे अडेरेंस की बात है और चाहे पॉजिटिव प्रिवेंशन की बात है ये सभी बातें काउंसलिंग के दौरान रहनी चाहिए ए केयर गिवर शुड बी आइडेंटिफाइड फॉर ईच पर्सन टू प्रोवाइड एडिकुएट सपोर्ट caregivers must be counseled and trained to support treatment adherence follow up visits and shared decision making जब हम uh, preparedness काउंसलिंग करते हैं तो patient और patient का caregiver गिवर ये बहुत जरूरी है आज हमारे सामने ये काउंसलर के सामने समस्या रहती है ना उसका पेशेंट मिस हो गया एलएफई हो गया आप इसके मूल में जाकर देख, देखना कभी भी अगर हम किसी भी पेशेंट का देखेंगे तो कहीं ना कहीं या तो पेशेंट या पेशेंट का केयर गिवर या उसका सपोर्ट जो सिस्टम है उसमें जिसको हम ढूंढते हैं उसके केयर गिवर के या गार्डियन को तो वो जो गार्डियन उसकी मतलब अच्छे से प्रिपेडनेस काउंसलिंग नहीं हुई अगर कि इसकी प्रिपेरनेस काउंसलिंग हो जाए दोनों की तो पेशेंट कभी मिस नहीं होगा और पेशेंट अगर मिस होने की कोशिश भी करेगा तो उसका गार्डियन या केयर गिवर उसको मिस होने नहीं देगा तो ये दोनों की काउंसलिंग ए शुरू करने से पहले बहुत जरूरी है ऑल पेशेंट विज क्लिनिकल स्टेज थ्री एंड फोर

जैसे डिस्ट्रिमिनेटरी टीवी होती है तो ये मतलब जो ऐसी टीवी जो दो या दो से ज्यादा ऑर्गन में फैल जाती है तो उससे पहले उसको स्टेबलाइज़ करना जरूरी होता है इन जनरल अपॉर्चुनिटी इन्फेक्शन शुड बी ट्रीटेड और स्टेबलाइज बिफोर कमेंसिंग एआरटी क्लिनिकल असेसमेंट हालांकि ये डॉक्टर्स करते हैं क्लिनिकल असेसमेंट में डिटरमिन द क्लिनिकल स्टेज ऑफ एचआईवी इन्फेक्शन सेकेंड Identify current HIV-related illness that may require treatment. Third, identify any prior exposure to ARVs in the past. Fourth, determine the needs need for OI prophylaxis. Four, identify co-existing medical conditions like diabetes, hypertension, hepatitis, and any other treatment that may influence the choice of ARV drugs. Determine अब जैसे इसमें ही है तो ये जैसे डायबिटीज का जो पेशेंट होता है अब जो नई मेडिसिन आई है हम सभी जानते हैं कि नई मेडिसिन अभी इंट्रोड्यूस हुई है टीएलडी इसको हम बोलते हैं नेफोविर लेमोडिन और डोल्टैग्रावीर के साथ एफडीसी में हम इसके बारे में एंड में भी डॉक्टर पूजा आज जो हमारे ए में एस मैम है वो इसके बारे में आज पंद्रह मिनट के एक सेशन भी लेंगे तो ये जो डायबिटीज होती है जो किसी को अगर डायबिटीज है तो अगर उसको मेटफोर्मीन चलती है और वो मेटफोर्मी की डोज 1000 मिलीग्राम से ऊपर है तो उसकी जो मेटफोर्मिन का जो साल्ट है वो चेंज कराना पड़ता है अगर हम उसको यानी एज ए फर्स्ट लाइन डालते हैं तो तो ये अलग अलग ये सेशन जब मैम लेंगे तो इसको अच्छे डिटेल में आपको बताएंगे नेक्स्ट है इसमें डिटर्मिंग न्यूट्रिशनल स्टेटस एंड नीड्स नेक्स्ट आइडेंटिफाई हिस्ट्री ऑफ पास्ट इलनेस स्पेशली टीवी एंड एस टी आईस नेक्स्ट है एस एस द नीड फॉर साइकुल बेसलाइन इन्वेस्टिगेशन ये जो चीजें बता रहे हैं हालांकि डॉक्टर करते हैं मेरे कहने का अभिप्राय यही समझाने क्या है कि जब हम काउंसलिंग करते हैं तो इसमें ये काउंसलर जब हम काउंसलिंग कर देते तो उसको पेशेंट को या पेशेंट के गेयर की ओर को काउंसलिंग में ये हेल्प करते हैं कि अभी क्या होगा उसको भी कुछ डाउट रहते हैं तो अभी ये बेसलाइन इन्वेस्टिगेशन हैं ये पेशेंट को हम बताती हैं कि अभी आपके सारे टेस्ट कराएंगे बेसलाइन टेस्ट कराएंगे सारे शरीर की जांच होगी ऐसा पेशेंट को और उसके गार्डियन को बताते हैं तो उसमें कौन कौन से टेस्ट हैं हालांकि ये सारे टेस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट हैं हम पेशेंट के या पेशेंट के केयर गिवर को पहले ही बता देना चाहिए कि सारे फ्री ऑफ कॉस्ट हैं जो टेस्ट हैं इसमें आ, सबसे पहले हीमोग्राम सीबीसी यूरिन फॉर रूटीन एंड माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन थर्ड फास्टिंग ब्लड शुगर ब्लड यूरिया सीरम क्रेटिनाइन नेक्स्ट सीरम बिलियरूबिन एस जी ओटीपी टी दोनों हैं वीडीआरएल सी डी फॉर काउंट लिपिड फॉर फाइल इफ एन एवेलेबल हैपेटाइटिस बी एंटीजन सरफेस एंटीजन टेस्ट और एंटी एस सी सीबी चेस्ट एक्सरे प्रेग्नेंसी टेस्ट अगर प्रेगनेंसी रिक्वायर्ड फॉर वूमेन सर्वाइकल पैप्समियर और अदर मेथड ऑफ सर्वाइकल कैंसर स्क्रीनिंग अगर अवेलेबल है फोर एमएसएम एन एल पैप्स होता है अगर वो भी अवेलेबल है तो एडिशनल टेस्ट एट बेस लाइन एज पर द फिजिशियन डिसीजन सिम्टम्स एंड साइंस डायरेक्टेड इन्वेस्टिगेशन फॉर रूलिंग आउट वाइज इंक्लूडिंग माइ

इसके साथ एक टेस्ट और कहीं भी कराते हैं हम जैसे किसी की गांठ बनी होती है तो उसको एफ टेस्ट के लिए भी भेजते भी हैं इसमें निश्चितिटी और फेजिबिलिटी ऑफ एनी ऑफ दिस टेस्ट शुड नॉट डिले द इनिशिएशन ऑफ एआरटी अगर ये टेस्ट अवेलेबल नहीं है तो ए में कोई डिले नहीं करना है फिर भी हम जैसे टीवी के लिए देखते हैं तो कुछ रुकना पड़ सकता है उसमें क्योंकि पहले टीवी को स्टेबलाइज करना जरूरी होता है होता है हालांकि सारी टेस्ट की रिपोर्ट जल्दी आ जाती है एफ एन ए सी भी कराते हैं जो गांठ की जांच होती है जो सुई डाल के उसको पानी निकाल के उसकी टीवी की जांच के लिए निकालते हैं तो वो भी जल्दी आ जाती है तो उसमें थोड़ा रुकना भी पड़ सकता है दो चार दिन लेकिन एआरटी को डिले नहीं करना है फिर भी इतना नहीं चाहिए कि एआरटी डिले ही होती चली जाए इन टेस्टों के अभाव में अब है प्रिपेयर्डनेस काउंसलिंग ट्रीटमेंट प्रिपेयर्डनेस काउंसलिंग जब पेशेंट या पेशेंट का गार्डियन साथ में होता है तो ये आ, ये काउंसलिंग के दौरान जब हम प्रिपेरनेस काउंसलिंग करते हैं दो सेशन करते हैं जब उसमें ए आर टी नॉट एन एमरजेंसी इंटरवेंशन ये कोई एमरजेंसी डोज नहीं है ना एक संजीवनी है कि अभी आया अभी पला, अभी पिला के और ठीक कर दिया सेकेंड एक्सेप्टिंग एच आई वी रिजल्ट डायग्नोजिस एच आई वी रिजल्ट उसको जो आया है रिजल्ट उसको एक्सेप्ट करना चाहिए मैनेजमेंट ऑफ ओ आइज अपॉर्चुनिटिक इफेक्शंस उसको मैनेज पहले करते हैं करेंगे ऐसा काउंसलिंग के दौरान उनको बताना भी चाहिए क्योंकि पेशेंट कई बार मन में लेके आता है कि अभी मैं अभी आईसी टी सी रिपोर्ट पकड़ी और अभी ए आर टी सेंटर में गया और मैं दवाई लेके आया लेकिन ऐसा नहीं है पहले उसको जब होते हैं तो उसकी पहले OIS उसके पहले ओ को डायग्नोज करके उसको ओ को ट्रीट करते हैं पहले या उसको स्टेबलाइज करते हैं एक्सेप्टिंग लाइफ लॉन्ग ट्रीटमेंट अंडर नेशनल प्रोग्राम जो नेको की तरफ से जो आ, वो होगा जो कंडीशन रखी जाएंगी उसको स्वीकार पेशेंट को करना पड़ेगा और उसके अनुसार ही उसकी ट्रीटमेंट चलेगी ऐसा नहीं अपनी मर्जी से ही उस उनको नेट नेट पे सुन, देख के पढ़ के वो बहुत सारे साल्ट पढ़ के मैं तो ये साल्ट लेना चाहता हूँ उसके साइड इफेक्ट कम है ऐसे करके अगर वो पेशेंट आता है या उसको गिवर आता है तो उसकी मेडिसिन उसके अनुसार नहीं दे सकते और जो नेशनल प्रोग्राम है उसके अनुसार चलना पड़ता है mm -hmm. रेडीनेस फॉर ट्रीटमेंट अटेरेंस ये हंड्रेड परसेंट ट्रीटमेंट अटेरेंस रहेगा इस इस तरीके से उसको तैयार करना है एक्सेप्टिंग टू पॉजिटिव प्रिवेंशन मेथड्स, हेल्थी एंड हाइजीन वे ऑफ लिविंग टू प्रिवेंट ओवाइज ट्रीटमेंट प्रिपेरनेस काउंसलिंग फाइव एज ये पिछली जो सेशन हुआ था उसमें भी आए थे फाइव एस सबसे पहले इसमें क्या है असेस असिस्ट एडवाइस अरेंज एंड एग्री असेस क्या करना है चाइल्ड एंड केयर गिवर्स अंडरस्टैंडिंग एंड नॉलेज ऑफ एच आई वी एड्स एच आई वी और एड्स के बारे में क्या जानता है किसी को एच आई वी हुआ तो वो कई बार तो ऐसा होता है कि पेशेंट से जब हम जानने की कोशिश करते हैं कि आप एच आई वी से क्या समझते हैं या तो वो सामने से ही बोलता है कि एच आई वी का मतलब एड्स जबकि दोनों डिफरेंट चीजें हैं और उसको इस तरीके से समझाना भी है प्रिपेरनेस काउंसलिंग के दौरान ये देखना है पोटेंशियल बैरियर टू अडहरेंस क्या बाधाएं हाँ रहेंगी बीच में एंड सोशल सपोर्ट सिस्टम कैसा है उसका कौन उसको सपोर्ट करेगा घर पे जाने के यहाँ तो वो ए सेंटर में आया पंद्रह बीस मिनट आधा घंटा रुका रोज चले गया उसके बाद वो जब नेक्स्ट विजिट पेगा तब उसके दौरान कौन सपोर्ट करेगा ए में तो आप सपोर्ट कर सकते हैं लेकिन बाहर कौन करेगा सोशल सपोर्ट सिस्टम कैसा है ये सब कुछ असेस करना है उस समय प्लानिंग फॉर अडेर ट्रीटमेंट प्लान करना है कि आप कैसे मेडिसिन लेंगे और कैसे आपका ट्रीटमेंट रहेगा कैसे आप आते हैं ये चीजें उस समय पे उसको असिस्ट करनी है एडवाइस कर, करते हैं एक्सप्लेन हाउ एआरटी वर्क कैसे काम करती है नीड फॉर लाइफ लॉन्ग ट्रीटमेंट है इंपोर्टेंस ऑफ एडहरेंस टू ए आर टी एंड फॉलो अप विजिट पे आना है उसको ये साज्ञान है अरेंज रिक्वायर्ड इन्वेस्टिगेशन उसको करना है रेफरल अगर कहीं उसको भेजना है गायनी में भेजना है या साइकेट्रिक उसमें भेजना है अगर ऐसी रिक्वायरमेंट हमें लगती है तो ऐसे रेफरल बना, बना के उसको भेजना है एग्री ट्रीटमेंट अड्स प्लान एंड हंड्रेड परसेंट अडरेंस टू ट्रीटमेंट पेशेंट एजुकेशन एंड ट्रीटमेंट अरे एआरटी इज नॉट क्यूरिटी बट प्रो लाइफ लाइफ को लंबा करती है जैसे मैं भी बता रहा था कोई ये संजीवनी नहीं है उसको लगातार खाना पड़ता है वो ऐसा नहीं है भाई एक बार खाली बस उसके बाद हो गया या एक साल छह महीने दो साल पांच साल का कोर्स है आज की डेट तक उसको यही बताना है पेशेंट को या उसके केयर गिवर को कि ये लं, लंबे समय तक खानी है और ये ऐसा नहीं है कि ये बीच में छोड़ दो तो आप ये वायरस आपका खत्म हो गया बल्कि ये लाइफ को लंबा करती है आपको ये लगातार खाते जाने हैं ए एआरवी ट्रीटमेंट इज लाइफ लॉन्ग जैसे अभी बात हो रही थी हाई लेवल ऑफ़ इज़ क्रिटिकल और उसकी ऐसी प्लानिंग बनाने में उसको मदद भी करनी है शॉर्ट एंड लॉन्ग टर्म एडवर्स इवेंट्स ड्रग्स इंट्रैक्शन कौन कौन सी है, कुछ लोग बाहर जाते हैं और किसी ने बता दिया कि वो Uh, कुछ बाबा की है है वो खा लो आप और अच्छे मतलब आपका अच्छे भी खत्म हो जाएगा कहीं दूसरी दवाइयाँ खाते हैं तो दवाइयों का इंट्रैक्शन भी होता है तो कहीं ऐसा ना हो ए काम करना बंद कर दे तो पेशेंट को ऐसे बताना है कि अगर आपको कोई भी दवाई आप शुरू करते हैं तो एक बार ए में जरूर डिस्कस करें सेफर सेक्स स्टिल एसेंशियल डो नॉट शेयर ड्रग्स विद फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर कई बार है कि एक ही फैमिली में दो लोगों की दवाई चल रही होती है सेम दवाई होती है भी इसकी भी टी एल है या इसकी भी टीएल है, TLD है भी जैसे भी शुरू हुई है या मान लो किसी की भी टी एल है जडलन है चलो भाई तू भी खा ले मैं भी खा लूँ तो उसमें यही नहीं पता चलता कि कौन किसने ले ली किसने नहीं ले ली हालांकि ऐसा खाते हैं कि सेम टाइम पे खाई जैसे टीएल रात को सोने के टाइम पे अगर लेनी है खाना खाने के दो घंटे बाद तो हस्बैंड वाइफ साथ में ले सकते हैं लेकिन ऐसा नहीं है कि शेयर करनी है मेडिसिन भाई मैं नहीं जा रहा चल मैं तेरी शीशी में से लेता ले, ले हूं जे जिसकी अभी बात हो रही केयर गिवर या गार्डियन ये वही है ट्रीटमेंट सपोर्टर ये कौन है ट्रीटमेंट सपोर्टर इज हु हैज एक्सेप्टेड पेशेंट्स एच स्टेटस उसके एच स्टेटस को एक्सेप्ट करता हुआ जो एक्सेप्टेड पेशेंट्स जेंडर आइडेंटिटी एंड सेक्सुअल ओरिएंटेशन जैसे डीजीएन टीजी होते हैं या एमएसएम होते हैं वो उसकी वो भी स्वीकार करे हैज एक्सेप्टेड पेशेंट सेक्स रिलेटेड ऑक्यूपेशन जैसे कि एफएसडब्ल्यूस होती हैं इज कमिटेड टू सपोर्टिंग द पेशेंट विद एआरटी फॉर ए लॉन्ग टाइम लंबे समय तक उसको सपोर्ट करे ऐसा नहीं है कि वो एक बार ले आया फिर अगली बार गायब हो गया या एक दो बार लेके आया और उसके बाद वो दिखा ही नहीं कभी भी फिर वो ट्रीटमेंट स्पोर्टर नहीं है वो जस्ट टेक आया और चला गया बस ऐसा है वो ट्रीटमेंट स्पोर्टर को ढूंढना है कि वो ट्रीटमेंट में कौन उसको सपोर्ट करेगा जो लंबे टाइम तक अगर उसको जरूरत पड़ी उसको लेके भी आ सके और उसकी एडेरेंस को मेंटेन करने में उसकी हेल्प कर सके इज समन हु इज कंसर्न दैट द पेशेंट रिसीव्स एआरटी हैज गेन्ड पेशेंट ट्रस्ट ओवर टाइम नेक्स्ट

पेशेंट के साथ जब हम पेशेंट की प्रिपेडनेस काउंसलिंग करते हैं या फर्स्ट सेशन करते हैं प्रियॉरिटी का तो उस समय पे हमें ये चीजें पता चलती रहती हैं कीप्स कॉन्फिडेंशियल ऐसा भी नहीं होना चाहिए वो जाए वो दस लोगों को बता दे उसकी पहचान को भी वो छुपा के रखे उस किसी को वो शेयर ना करे अब हम जिसकी बात रहे थे टेस्ट एंड ट्रीट पॉलिसी की वेन टू इनिशियट ए मतलब टेस्ट एंड ट्रीट टेस्ट हुआ आईसीटीसी सेंटर में एच पॉजिटिव आया तो उसको तुरंत से ही ए सेंटर में उसको रेफर करना है और उसकी मेडिसिन उसकी स्टार्ट हो जाएगी प्रिपेरनेस काउंसलिंग दूसरी चीजें होने के बाद ऑल पर्सन डायग्नोज विद एच आई वी इन्फेक्शन आर इज एलिजिबल फॉर एआरटी टी इनिशिएशन जैसे भी बात कर रहे थे रिगार्डलेस ऑफ सी डी फोर काउंट और डब्ल्यू एच ओ क्लिनिकल स्टेजिंग एनी एज और एनी पॉपुलेशन एनी एज अडल चिल्ड्रेन है है या चिल्ड्रन हाई रिस्क ग्रुप से है एनसी है माइग्रेंट्स है, है या कोई भी है तो उसकी चाहे कोई भी एज हो कोई, किसी भी पॉपुलेशन से हो आता हो कोई भी उसकी स्टेज है तो उसकी एच ए वी की मेडिसन शुरू होगी ही बेसिक प्रिंसिपल ऑफ फर्स्ट लाइन ए आर्टिन अडल्ट एंड अडोलुसेंट art is a combination of different class of arv drugs to, is next point, to achieve maximal and most durable suppression of viral load replication next to prevent emergence of drug resistant mutations next to improve survival and quality of life recommended combination of arv uh, drugs in adults and adolescents is

आफ्टर ब्रेकफास्ट खाना खाने के बाद उसको लेनी है और ये मॉर्निंग में लेनी है मतलब दिन में लेनी है क्योंकि इससे नींद नहीं आती है एक जो साइड इफेक्ट है इनसोमेनिया वो इससे इसका साइड इफेक्ट वो होता है तो इसलिए इसको मॉर्निंग में लेना है दिस रेजिमन टू एडवांटेज ऑफ हार्मोनाइजेशन हार्मोनाइजेशन ऑफ ट्रीटमेंट फॉर ऑल अडल्टेंट्स

और अगर वो ट्रीमेस्टर में नहीं है सेकंड ट्रीमेस्टर में है थर्ड थर्डमेस्टर में है तीन महीने हो चुके हैं तो उसके बाद उसके बाद हम उसको टीएलडी पे डाल सकते हैं या फिर जो प्रेग्नेंट प्रेगनेंट वो पहले से ही टीएलडी टीएलडी पे पे है है पहले से अगर वो है, तो उसको फिर वो टीएलडी ही चलती रहेगी चाहे उसका फर्स्ट ट्रीमेस्टर भी क्यों ना इन इट इज अ सिंपल पोटेंट एंड वेल टोलरेटेड रेजिमन दैट ऑफर्स द एडवांटेज ऑफ डिसाइज इज सर्विस डिलीवरी एंड मोनिटरिंग जो हम टू डिफरेंट क्लासेस की हम बात कर रहे थे वो यही है NRTIs, जिसमें हैं, और वन इंटीग्रीज इनविएटर एंडीर का रेजिमन यह बनेगा टी थ्री हंड्रेड एम जी प्लस हंड्रेड एम जी एंडी वन टेबल डेली आफ्टर ब्रेकफास्ट वर टी रेजिमेंट टू स्टार्ट इन पी एल एच विद एच आई वी टू इन्फेक्शन में कौन सा दिया जाएगा तो वो सेम ही है जैसे भी बात हम कर रहते थे पेशेंट विद एचआईवी टू एंड एचआईवी वन एंड एचआईवी टू को इन्फेक्शन नीड टू बी इनिशिएटेड ऑन सेम रेजिमेंट सेम रेजिमन टीएलडी टेनेवीर प्लस लेमोवीन प्लस डोलटैग्रवीर थ्री हंड्रेड एम जी थ्री हंड्रेड एम जी एंडी एम जी और हमें पति है कि आफ्टर ब्रेकफास्ट इसको लेना है फर्स्ट लाइन ए आर टी रेजिमन इन अडल्ट एंड अडोलोसेंट्स वो भी हम बात करते हैं ए आर टी रेजिमन में टेनेफोवीर प्लस लेमोवीन प्लस डोलटैग रविजीएल फर्स्ट लाइन रेजिमेंट फॉर ऑल ए आर नेव रेजीमेंट फोर ऑल ए आर इन्फेक्शन एज ग्रेटर देन एंड बॉडी वेट ग्रेटर थर्टी के जी तीस किलो वेट से ज्यादा होगा और दस किलो वेट से दस साल की उम्र से ज्यादा होगा तो उसको एच आई वी वन है या टू कोई भी इन्फेक्शन है तो उसको फर्स्ट लाइन ए आर टी ये देनी है एडल्ट में और अगर किसी का वेट आ, अबाकवीर प्लस लेमोडीन एंड डोल्टा टैग्रावीर ये कब देनी है अबाकवीर कब टेनफावीर कब चेंज होगा अबाकवीर में फर्स्ट लाइन एआरटी आर फॉर ऑल पेशेंट्स विद एब सीरम क्रेटिनाइन जिसका क्रेटिनाइन ठीक सा नहीं है वैल्यूज क्रेटिनाइन वैल्यूज रेफर टू ए गाइडेंस फॉर स्पेशल सिचुएशन ऑल अडल्ट एंड अडोलोसेंट्स विद बॉडी वेट लेस देन थर्टी के चाहे वो अडल्ट है और चाहे वो अडोलसेंट है कोई भी है अगर उसका 30 किलो से कम वजन है तो उसको टनेफोवीर की बजाय अबाकावीर प्लस लेमोडिन प्लस डोल्टाग्रावीर उसको करना है सेम फर्स्ट लाइन ए आर टी इन एडल्ट एंड एडोलोसेंट्स टीएलडी है टनफोबिल तो लेमोब्डिन डेल्टा ग्रेविल फर्स्ट लाइन एआरटी रेजिमेंट फॉर ऑल वूमेन विथ सिंगल डोज नेवरापिनी एक्सपोजर्स इन पास्ट प्रेगनेंसी अगर उसको पहले अगर किसी को नेवरापिनी की डोज दी गई है तो उसको भी टीएलड जाएगी ऑल कंफर्म्ड एचएचवी टू एचएचवी वन एंड एचएचवी टू कॉन्फेक्शन

अभी ये जो सेशन है टीएलडी कैसे चेंज होएगी ये मैम अभी डॉक्टर पूजा अभी लेंगे उसके बारे में फिर में अच्छे से बताएंगे फर्स्ट लाइन एआरटी जनरल गाइडेंस ए सिंगल पील ऑफ टेनेफोविर प्लस लेमोबडीन प्लस डोल्टेग्रावी टीएलडी शुड बी टेकन आफ्टर ब्रेकफास्ट फैटी फूड शुड टू बी अवॉइडेड एज़ पर पॉसिबल सेकंड हमें पेशेंट विद सीवियर डायबिटीज हाइपरटेंशन शुड बी मॉनिटर्ड मोर क्लोजली फॉर टीडीएफ Toxicity. हाँ इसमें ये था कि हाउ शुड बी वुमेन ऑफ चाइल्ड डालना है पे डालना है, तो जो चाइल्ड बेयरिंग एज की जो महिलाएं हैं तो उनको कैसे काउंसल्ट करना है उसको पेशेंट को काउंसल करना है उसके केयर को किसे वायरल सप्रेस जल्दी होता है टीएल की बजाय सेकंड इसमें है कि चांसेस ऑफ फेलियर ऑफ ट्रीटमेंट इज लेस बहुत कम चांसेस हैं कि ट्रीटमेंट फेल होगा लेकिन अडरेंस का मुद्दा फिर भी रहता है कि किस इज गुड अच्छे से अडेरेंस रखें तो फिर ये चांसेस इसके फेल होने के बहुत कम है और मदर टू चाइल्ड ट्रांसमिशन इज ऑलमोस्ट नील लगभग जो माँ से बच्चे को होने की संभावना जो रहती है जो वायरस माँ से बच्चे को जाता है तो वो इसके चांसेस भी नील के बराबर हैं। वो इसको इस तरीके से काउंसल उसको करना है मिस्टर के एल थर्टी थ्री ईयर्स वॉज एडमिटेड लास्ट वीक इन द मेडिकल वार्ड एट रिम्स इम्फॉल विद रेस्पोरेटरी डिस्ट्रेस एंड लो ऑक्सीजन सिचुएशन ही वॉज इन्वेस्टिगेटेड एंड फाउंड टू हैव एच आईवी विद पीसीपी ही सी डी फोर वॉज वन फिफ्टी सेल्स पर क्यूबिक मिलीमीटर एंड एच बी इज एट पॉइंट सिक्स He is non-diabetic, non-hypertensive patient. Hypertensive patient with normal renal function. For past seven days, he was getting standard therapy for PCP, cotrimoxazole uh, and corticosteroids with other supportive measures. He had responded very well to treatment. Now, next questions. how will you manage him from now on? Second. when will you initiate art and with what art regimen kaun sa regimen chalega aur kab aap usko shuru karoge treatment for pcp yani cotrimoxazol and tapering doses of corticosteroids is to be continue, uh, continued for two more weeks दो हफ्तों से ज्यादा इसको रखना है 21 दिन ये uh, इसको ट्रीटमेंट पीसीपी का चलेगा After then After the completion of three weeks of treatment for PCP, patient has to be assessed by doctor MOSMO. Single double uh, single double strength core trimoxazole tablet has to be initiated secondary forphylaxis to prevent PCP recurrence. Once patient's condition stabilized, ART has to be initiated. Before initiating ART, baseline investigation has to be done and at least two sittings प्रिपेडनेस काउंसलिंग का मुद्दा यहाँ भी है वो काउंसलिंग प्रिपेडनेस काउंसलिंग अटेरेंस अगर उसकी टिकानी है लाइफ लॉन्ग ट्रीटमेंट उसका टिकाना है तो प्रिपेडनेस काउंसलिंग का होना बहुत जरूरी है जिसके लिए एटलीस्ट कम से कम दो सीटिंग तो होनी चाहिए है। सेशन हैज और कौन सा या टीर रेजिमेंट चलेगा जिसकी हम अभी बात कर रहे हैं वही ब्रेकफास्ट के बाद टेनेफावीर लेमोबडिन एंड डोलटेग्रावीर चेकलिस्ट फॉलोड द देश शुड हैव अंडरगोन एचआईवी काउंसलिंग एंड टेस्टिंग एट नेको नैको इंटीग्रेटेड काउंसलिंग टेस्टिंग एंड आईसीटीसीव आई एचआईवी पॉजिटिव रिजल्ट विद पी आई डी नंबर के साथ वो आता है ये सबसे पहले चेक करना है कि वो आईसीटीसी की रिपोर्ट लेके आए जिसमें पी आई डी नंबर डाल और डेट डली और पूरा परफॉर्मर ठीक से भरा

सीपीटी पे डालना है जो हमें सभी को पता है कि सी फोर अगर लेस देन थ्री फिफ्टी है स्टेज थ्री और फोर है तो उसको uh, CPT पे डालना है ये कंसेंट फॉर्म है जो रिवाइज होके आया है जिसमें वो सारी चीजें हैं कि नेम uh, एड्रेस ये सारी चीजें हम डालती हैं और इसमें बताया गया है कि मैं ये एग्री करता हूं कि मैंने प्रोग्राम के अंतर्गत एआरटी को लूंगा और में, जो काउंसलर है डॉक्टर ने ये मुझे उसने समझा दिया मैं हंड्रेड परसेंट रहूंगा ये सारी चीजें जब हम ये निकालेंगे, प्रिंट आउट, तो इसका हमें पता भी चल जाएगा ये चीजें हैं जो पहले जैसी ही है अब है सीपीटी की बात कि टोट रिजम्सोल्स इन एंड कब ये चालू करते हैं तो प्राइमरी सीपीटी कब देते हैं कोट पी एल एच ई विद सी डी फोर लेस थ्री फिफ्टी सी डी फोर काउंट थ्री फिफ्टी होगा लेस देन थ्री फिफ्टी होगा या डब्ल्यू एच ओ क्लीनिकल स्टेज थ्री और फोर होगा तो उसको सीपीटी डालना है सेकेंडरी फॉर ऑल पेशेंट हैव कंप्लीटेड सक्सेसफुल ट्रीटमेंट फॉर पीसीपी अंटिल सी डी फोर इज ग्रेटर देन थ्री फिफ्टी सेल्स पर क्यूबिक मिलीमीटर एटलीस्ट ऑन टू ओकेजन डन सिक्स मंथ ए पार्ट टाइमिंग एंड ऑफ

फॉर प्रेग्नेंट और ब्रेस्ट फीडिंग वुमेन में कुछ फर्क है वोमेन हु फुलफिल द क्राइटेरिया फॉर सीपीटी शुड कंटिन्यू ऑन इट फ्रॉड प्रेगनेंसी सेकंड इफ ए वोमेन रिक्वायर सीपीटी ड्यूरिंग प्रेग्नेंसी इट शुड बी स्टार्टेड रिगार्डलेस ऑफ द स्टेज ऑफ प्रेगनेंसी थर्ड ब्रेस्ट फीडिंग वुमेन शुड कंटिन्यू सीपी टी इंडिकेटेड Discontinu uh, इसको बंद कब करते हैं डिस्कंटिन्यूएशन कब होता है uh, का? 350, occasion, के बाद हम कराते हैं। उसमें थ्री फिफ्टी से ऊपर उसका सी डी फोर आ रहता है तो हम इसको डिसकंटिन्यू कर सकते हैं विद एन असेंडिंग ट्रेंड एंड डीवाइड ऑफ डब्ल्यू एच ओ क्लीनिकल स्टेज थ्री एंड फोर कंडीशन की पॉइंट कौन से हैं NACO's test and tree concept, treat concept means all persons diagnosed with HIV infection are eligible for ART initiation regardless of CD4 count or WHO clinical stage. Second, all persons with confirmed uh, confirm HIV infection should be referred to ART Center for Registration in HIV Care, comprehensive clinical and laboratory evaluation to assess baseline status, treatment for pre existing opportunity infections. ट्रीटमेंट प्रिपेरनेस काउंसलिंग एंड फॉर टाइमली एर टी कंटिन्यू ट्रीटमेंट काउंसलिंग जारी रहनी चाहिए उसको पूछते रहना चाहिए टेबलेट मिस नहीं करनी है ये उसको मोटिवेट uh, करते रहना चाहिए इनश्योर पी एल एच ए वी लीड हेल्थी क्वालिटी क्वालिटी लाइफ फॉर एवरी मेनी ईयरस वाइल रिमेनिंग ऑन और डी टी जी की बात कर रहे थे हमारे ए आर टी सेंटर ए आर टी सेंटर पी जी आई चंडीगढ़ में डॉक्टर पूजा एस एम मैम है हमारे डॉक्टर सीनियर मेडिकल ऑफिसर वो आपको अभी कुछ महत्वपूर्ण तो जानकारी देंगे और मैं डॉक्टर पूजा को इनवाइट करता हूँ जो लाइव क्वेरी पूछेंगे वो वाला बॉक्स हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन दिस इज डॉक्टर पूजा हेर आई वांट टू आस्क यू पीपल दैट इफ यू हैव एनी क्वेरी रिलेटिंग टू ट्रांजिशन ऑफ डीटीजी काइंडली आस्क Any query you have regarding, you know, initiation of DTG or TLD, kindly ask. Uh, let me uh, make one thing very clear that all the patients, those who are taking ZLE, uh, that is zidovudine, lamivudine, and efavirins, and those who are on TLN, that is tenofovir, lamivudine, and Nevarapine or also need to be shifted to TLD. ZLN and ZLE is one in the same regime. ZLN and TLE is one in the same regime, and all the patients need to be shifted to TLD. Anything else do you want to ask me regarding shifting of TLD? And any patient, if you feel that viral load, baseline viral load, if it is less than 10,000, do not send those patients for sasap you can just do a step up adherence and repeat the viral load again after three months and then after seeing the viral load decision can be made regarding changing to tld patient those who are having viral load less than 10000 any queries you have regarding dtg kindly ask Ma'am, I think I have given the microphone access to everyone. They can anji. unmute themselves and ask their queries. Ji, kindly please unmute yourself and ask the queries because I think so centers are facing certain queries regarding DTG. If you have, kindly ask. Kindly ask or type. Hello. Hanji. Ji, ma'am, we are from Swanipat. मैम वो टीएलडी की रिगार्डिंग ही पूछना था जो टीएलडी की जो नई आई है वन हाँ जी हाँ मैंने पेशेंट को शाम को देनी है कि दिन नहीं, में? नहीं नहीं आपको टीएलडी की गोली सुबह सुबह में देनी है क्यों क्योंकि इससे इंसोमनिया होता है इंसोमनिया मतलब रात को नींद ना आना तो अगर आप रात को देंगे तो वो पेशेंट सोएगा नहीं पूरी पूरी रात ठीक है okay. हो सकता okay. है एक वन ऑफ दी साइड इफेक्ट है ऐसा जरूरी नहीं है कि होएगा ही होएगा हुँ. हो सकता है इसीलिए आप सबको सुबह ही खाने के लिए बोलिए में दवाई ओके ओके मैम एक दो तीन पेशेंट ऐसे भी आए हैं जिनको हमने जेड एल एन से टीएल पे डाला है और हाँजी. उनको साइड इफेक्ट निकल के आए हैं काफी जैसे कि जैसे कि जैसे, जैसे कि शरीर पे दाने हो जाना देखिए अगर तो बिल्कुल ही मामूली से दाने हैं ठीक है तो उसमें घबराने मामूली नहीं है काफी बड़े बड़े हैं और वोमिटिंग बुखार तो मैं मैं आपको एक बात बताइए कि पहले तो अंडरलाइंग उसकी ना ऑपरचुनिस्टिक इन्फेक्शन आपने रूल आउट किया है वायरल लोड चेक किया है नॉर्मल था कि नहीं ने? था टीएलडी शिफ्ट करने से पहले हाँ हाँ मैम पहले सुनो एक बार जैसे कि दो हस्बैंड वाइफ थे हाँ हाँ हमने दोनों को ही जेड एल से टीएलडी पे डाला था है? तीन चार दिन के बाद वो आए हैं उन्होंने बोला है कि नींद नहीं आ रही है शरीर पे इस मोटे मोटे जैसे कि बोलते हैं ना दाने दाने से दाने भी नहीं बोल दाग सकते से, दाग, से, हाँ. दाग से हाँ दाग से हो रहे हैं अच्छा कोई बात नहीं मुझे वॉमिटिंग और बुखार दोनों को ही सेम फिर हमने उनको स्विच कर दिया दवाई को नहीं नहीं आप उस... स्विच मत करिए आप उनको ना सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट के लिए डॉक्टर के पास भेज दीजिए ओके ठीक है स्विच करने की जरूरत नहीं है जब भी हम कोई नई दवाई शुरू करते हैं ना ये छोटे मोटे साइड इफेक्ट जैसे हल्का फुल्का बुखार आना एक आधा दाना निकलना या उल्टी जैसा मन करना या उल्टी आ जाना ये स्वाभाविक है ठीक है आप उनको समझाइए कि जो डॉल्टर ग्रवीर है वो जेड कभी कभी ये साइकोलॉजिकल भी होता है क्योंकि पेशेंट अपने आप को वो अडेप्ट नहीं कर पाते सडनली उनको लगता है कि भाई हम इतना अच्छा चल रहे थे हमारा दवाई चेंज क्यों कर दिया वगैरह ठीक है वो सब आपको उनको समझाना है कि डॉल्टर ग्रवीर ये अभी दुनिया की सबसे बेहतरीन दवाई हमारे प्रोग्राम में आ गई है ओके इट इज एज गुड एज उसकी जो जो काम करने की क्षमता है दवाई की वो थर्ड लाइन की क्षमता के बराबर है तो फेलियर okay. रेट बहुत कम है आगे जाके ये दवाई पे फेल होने के चांसेस बहुत ही बहुत, okay. बहुत 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 कम है ठीक है तो okay, अगर फेल होने के चांसेस कम होंगे तो ऑबवियसली पेशेंट इसी तो जिंदगी पर खाता रहेगा अच्छे से ओके मैम ठीक है तो कोई okay. बात नहीं ये छोटी मोटी चीजें जो होती हैं उनको काउंसलिंग करके समझाइए ठीक है थीके? आप उनको पैरासिटामोल की गोली कोई भी उल्टी की गोली जैसे डॉम्सटॉल या hmm. आपके जो डॉक्टर साहब होते हैं आप उनको आप वो दे सकते हैं पैरासिटामोल तीन चार दिन खाने के लिए ठीक है जहां तक निशान का सवाल है उनको बोलिए नारियल का तेल वेल लगाएं थोड़ी काउंसलिंग करिए हफ्ता दस दिन में ठीक हो जाएगा बार बार दवाइयों को स्विच मत करिए ओके मैम ये बहुत ही मिनिमल से साइड इफेक्ट्स हैं ये तो हम अगर पैरासिटामोल की गोली भी देते हैं ना उसके साथ भी हो जाते हैं ठीक है तो आप इसके लिए बार बार दवाइयों को स्विच मत करिए पेशेंट की थोड़ी सी काउंसलिंग करिए और आप उनको थोड़ा सा ट्रीटमेंट दे सकते हैं जैसे पैरासिटामोल की गोली wow. नारियल तेल या लोशन लगाने के लिए या फिर okay. उल्टी रोकने के लिए एक आध गोली दे सकते हैं ठीक है ओके ओके मैम स्विच स्विच करने की जरूरत नहीं है डॉल्टावीर इज अ वेरी वेरी गुड मेडिसिन यू शुड अंडरस्टैंड वेरी गुड वी शुड स्विच ईच एंड एवरी वन टू टी एल जी गुड हाँ मॉर्निंग मैम मैं, मैं अम्बाला से बोल रहा हूँ मुझे पूछना था कि ई से की भी ट्रांजिशन होनी है ना हाँ जी हाँ जी बिल्कुल को भी हमने में चेंज करना है अगर वायरल लोड तो, पेशेंट का नॉर्मल है तो हा, हाँ नंबर एक नंबर टू ये था हमारे पास टीएल का स्टॉक बहुत पड़ा है, What about है? का स्टॉक पड़ा हुआ है तो आप ये उनके लिए रख सकते हैं जिनके वायरल लोड हाई आएंगे ओके जिनके वायरल लोड हाई आएंगे वो वाले पेशेंट्स को आपको क्या, क्या कहते हैं थ्री मंथ्स का चैलेंज देके दोबारा से रिपीट करवाना है ना वायरल लोड तो तब तक नहीं। नहीं। वो तीन महीने वो टीएलई खाएंगे दूसरा okay. जो आपके पास फीमेल्स आएंगे चाइल्ड बेयरिंग एज ग्रुप की हाँ, जो हाँ, लोग जो टीएलई लेने के लिए रेडी नहीं होंगी टीएलडी लेने के लिए तो उनको भी तो टीएलई देना पड़ेगा ठीक है फिर जो प्रेगनेंट पेशेंट आएंगे फर्स्ट ट्राइमेस्टर वाली उनको भी हम टीएलडी नहीं दे सकते हो कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है तो उन लोगों को भी तो हमें टीएलई देना पड़ेगा तो टीएलई का कुछ स्टॉक तो आपके पास होना ही चाहिए ओके राइट ठीक है ना mean, अगर आप वो सारा ही दे दे के खत्म कर देंगे तो आपको बाद में दिक्कत होगी फिर टीएलई हाँ, के स्टॉक के लिए हाँ दूसरी बात मैम ये थी, थी? कि एवरी न्यू पेशेंट हैज टू बी पुट ऑन टीएलडी यस यस एवरी न्यू पेशेंट ट्राई टू स्विच देम ओवर टू टीएलडी Until okay. uh, only contraindication is the pre uh, the female should not be pregnant with first trimester. And okay. second, if a childbearing age group women does not give you the consent of starting TLD, you have to give her TLD. Okay? Except for that, all the patients should be started on TLD, new patients. Okay, thank okay? you. Yeah, yeah, na? Okay, fine. And uh, there is one hello. query regarding that milk product and all it was along with the TLE. it has nothing such has been mentioned with TLD. So TLD That's can be given right. in the morning after breakfast. That is very good. Hello, okay. Okay. Haanji. Haanji. okay, hello, hello ma'am. Yes, 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 hello ma'am. Uh, हाँ जी मैं जो ये टी हम लोग क्लाइंट्स को दे रहे हैं खाने के लिए तो हाँ ये तो नाइट के लिए बोल रहे ये मॉर्निंग में ही है देखो मैंने डीटीजी पे खुद दो या तीन बार सेशन ले लिया है बच्चे अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो मैंने बहुत बार बोला है की इसका एक साइड इफेक्ट है एक यही मिनिमल से दो ही साइड इफेक्ट है इसके एक इंसोमनी दूसरा वजन बढ़ना ठीक है इनसे मतलब रात को नींद ना आना और वजन बढ़ना तो इसको ये गोली को रात को खाने के लिए नहीं बोलना सुबह में ही बोलना है और दूसरा है कि जो अगर आपके पास कोई मोटा मरीज होएगा तो उसको हमें बोलना है कि भैया इससे वजन और बढ़ सकता है तो इसीलिए आपको अपने खाने के इनटेक पे फूड इनटेक पे थोड़ा ध्यान रखना है और एक्सरसाइज करना है तो यही दो मेजर साइड इफेक्ट है जो हमने ध्यान में रखने हैं और लोगों को समझाने हैं और थीके? मैं मैं, मैं हाँ. खुद कम्युनिटी से हूँ तो मैंने भी खुद ये दवाई खाई है रात में तो आपने सही बताया कि रात को नींद नहीं आती मुझे नींद हाँ नहीं, जी, नहीं हाँ, हाँ जी हाँ जी हाँ जी इसीलिए बोल रहे हैं आपको ये सुबह ही खाना है दवाई ठीक है ये वैसे तो ये बहुत अच्छा है क्योंकि हमारे पास बहुत सारे पेशेंट जो है वो ट्रक ड्राइवर आते हैं तो वो बोलते हैं कि हम रात को ट्रक चलाते हैं तो हम टीएल नहीं खा सकते हमें चक्कर आता है हम चला नहीं पाते हैं ट्रक तो उसके लिए तो बहुत ही अच्छा है ना लोग सुबह में ही खा लेंगे बहुत बढ़िया है खा लीजिए ली okay, मैम जैसे आज मैंने कल रात को खाई है तो आज खाने कोई फर्क नहीं पड़ता कोई फर्क नहीं पड़ता कोई कुछ नहीं होता एक ड्रग को ऊपर एक दवा का डोज का ऊपर लेने से कोई ज्यादा मेजर इफेक्ट नहीं होता ठीक है कोई और कुछ डीटीजी के बारे में पूछना चाहते हैं तो प्लीज पूछ लीजिए और दूसरा चीज मेरा आपको बताना है कि जितने भी टीबी वाले मरीज आते हैं उनको आपको टीएलडी के साथ एक डॉल्टा गवीर एक्स्ट्रा देनी है ठीक है ये भी आप लोग प्लीज ध्यान रखिएगा कि अगर कोई एच टीबी को इन्फेक्शन के साथ आता है और आप टीएलडी स्टार्ट करते हैं तो इसको एक अलग से डीटीजी पचास एम आपने शाम को डालनी है ठीक है जब तक वो टीबी की दवाई ले रहा है सिर्फ तब तक एक बार टीबी का कोर्स पूरा होगा तो वो एक्स्ट्रा डीटीजी की गोली आप निकाल दीजिएगा और कोई क्वेरी तो नहीं है ठीक है ओके थैंक यू सो मच थैंक यू <laughs> एक्स्ट्रा हो गया एक्स्ट्रा हो गया आपका सोनिया जी आई थिंक दर इज वन मोर क्वेरी हेलो हाँ जी अगर ये पेशेंट लिखा है मैम इफ लेडी इज ऑलरेडी ऑन बिफोर प्रेगनेंसी देन नो नो देन वी डू नॉट हैव टू चेंज ओके अगर कोई पेशेंट प्रेग्नेंट पेशेंट टीएल खाते प्रेग्नेंट हो जाएगी तो हमें उसके दवाई बदलनी नहीं है अगर कोई हमारे पास न्यू पेशेंट आता है फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी में जिसने पहले एच की दवाई नहीं खाई हुई है उसकी टीएल हमने शुरू नहीं करनी है ठीक है जो टी पे खाते खाते प्रेग्नेंट हो जाए उसका हमें दवाई बदलना नहीं है टीएल कंटिन्यू ही रखना है ठीक है ओके, okay. ठीक है, और कोई कुछ पूछना चाहते हैं टीएलडी पे तो प्लीज पूछ लीजिए सारे सारे पेशेंट्स को टीएलडी पे शिफ्ट कर दीजिएगा ठीक है चाहे वो जेड पे हो जेड पे हो टीएलएन पे हो या टीएल टीएलई पे हो बट हमें बस इतना ही ध्यान रखना है कि उनके वायरल नेगेटिव होने चाहिए और अपना टीएलई का स्टॉप सब लोग थोड़ा थोड़ा बचा के रखें क्योंकि जिनके वायरल लोड हाई है वो तीन महीने तक तो उनको वही दवाई खिलाकर बेरिंग एज ग्रुप की फीमेल जो नई कंसेंट देती उनको भी देना पड़ेगा और ट्राइमेस्टर प्रेगनेंसी वाले को भी पेशेंट है वो यहाँ से ले रहे हैं ट्रीटमेंट नहीं नहीं आप कर सकते हैं, बिल्कुल चेंज कर सकते हैं। हम बालाते हैं हम उनको ट्रांसफर भेज देते हैं ड्रग चेंज किए अब बोल देते हैं की आप ही से जाके चेंज करेंगे क्यूँकी आप लोगों ने उनके सबके वायरल लोड हैं टारगेट नॉट पेशेंट मैडम जो रजिस्टर्ड है हाँ आप ट्रांसफर ले लिया करो उन पेशेंट्स का ना आप ट्रांसफर ऑनलाइन भी ले सकते हैं पेशेंट्स को इतनी दूर भेजने की जरूरत नहीं है आपको ओके ओके हाँ जी ऑनलाइन ट्रांसफर हम आपको भेज देंगे सारे पेशेंट्स का अगर आप चाहते हैं about... ट्रांसफर तो मिल जाएगा जी अबाउट जीट कार्ड देन वो आपको फोटो स्टार्ट आ जाएगा सारा उसका आप उसका प्रिंट आउट निकाल के रख सकते हैं अपने पास राइट ओके हाँ जी और बाकी अगर कोई अम्बाला से किसी दिन आएगा तो वो इकट्ठे कार्ड हम आपको एज अ कोई भी रिप्रेजेंटेटिव आए तो उसको पकड़ा देंगे इकट्ठे कार्ड फिर ऐसा हो सकता है हाँ जी हाँ जी ठीक है सारे पेशेंट्स को ऐसे बार बार भेजने की जरूरत नहीं है आपको क्योंकि कोरोना चलते हम भी जानते हैं कि जितना कम बंदा ट्रेवल करे उतना ही सबके लिए अच्छा है सब स्टेट्स के लिए राइट ठीक है हाँ जी हाँ जी हेलो हाँ जी मैडम मैम ये पूछना था जैसे कि आपने बताया न की थर्टी के जी से ऊपर वजन होना चाहिए आन्जी, आन्जी. पे डालने के लिए तो जैसे कि बच्चे हैं जिनकी जेड एल चली हुई है ए एल ई चली हुई है इनको थर्टी हाँ. के जी होने के बाद हम टी एल डी पे कर सकते हैं या वही चलेगा नहीं अगर वो थर्टी के जी से कम है तो आप उनका वो, 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 क्या कहते हैं अब जो नए बच्चे आए हैं उनका तो रेज डिफरेंट दि, दि, है ना एबीसी बी सी थ्री टी सी प्लस डी टी जी है नी नहीं नहीं मैम ये पूछ रही हाँ हाँ जब वो तीस किलो से ऊपर हो जाए हाँ जी हाँ जी बिल्कुल आप उनको अडल्ट हाँ. डोज जब देंगे तो आप शिफ्ट कर सकते हैं अगर उनका वायरल लोड टारगेट नॉट डिटेक्टेड है तो बिल्कुल ओके okay. और मैम मैम जैसे किस तरफ टीएनडी आएगा उन्हीं का चेंज करना है जिनका ज्यादा हो उनको जिसका वो, आ, आ, जो डब्ल्यू एच ओ ये आप हमारी नेको की गाइडलाइंस बोलती है जिसका भी एक हजार से कम है उन सबका चेंज कर दो ओके और हजार से ज्यादा है जिसका हजार मैंने वही बताया जिसका आ, दस हजार तक दस हजार तक है ना उनको है? आप कंटिन्यू सेम ट्रीटमेंट करिए और तीन तो महीने के बाद स्टेप अप के साथ दोबारा वायरल लोड टेस्टिंग कराइए हाँ तो भी उसके भी बाद ही तो पूछ रहे हैं मैडम तीन महीने के बाद दोबारा टेस्टिंग करवा दिया दोबारा भी वो हर दस हजार से एक लाख से ऊपर आता है तो, तो आपको पेशेंट को सैसअप के लिए भेजना है मैडम ओके मैडम ठीक है अगर आपका दस हजार से ऊपर आ रहा है स्टेप अप अडेरेंस के बाद भी तो पेशेंट सैसअप में जाएगा सैसअप वाले आप डिसाइड कर लेंगे क्या करना है ओके मैडम हाँ जी हेलो हाँ जी हाँ जी मैडम हाँ जी मैम मैंने एक क्वेश्चन पूछना था आपने बताया ना कि जो टीएलडी सुबह नाश्ते के बाद शुरू करनी है हाँ जी सकते हैं मैम अगर अगर कोई कहता है कि नहीं मैंने रात को ही खानी है हाँ तो, तो खाने कोई प्रॉब्लम नहीं है उनको बता दीजिएगा थोड़ी नींद कम आएगी अगर वो खाना चाहते हैं तो खा ले कोई दिक्कत वाली बात नहीं है हाँ, मैम कहते हैं हाँ जी थी, नहीं। है हाँ जी कोई प्रॉब्लम नहीं उनको बस हमने बताना है की इंसोमिया साइड इफेक्ट है बाकी अगर पेशेंट खाना चाहे तो कोई बात नहीं ऐसे तो जो दिन में लेना चाहे वो भी ठीक है अगर जो रात को लेना चाहे वो भी ठीक है हाँ जी हाँ जी आप उनको एक्सप्लेन कर सकते हैं बस की इंसोमिया होता है इसलिए हम प्रेफर करते हैं सवेरे देना ठीक है किसी की मजबूरी है वो नहीं खा सकता सुबह तो उसमें कोई हर्ज नहीं ठीक है मैम थैंक यू मैम ओके ओके जी ठीक है जी ओके थैंक यू सो मच थैंक यू एवरीवन थैंक यू सो मच मैम थैंक यू निर्मल जी